Vayam Prabha. Digital India. Educated India. आसान नमस्कार जापानी भाषा एक परिचय के इस लेक्चर में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है हम आशा करते हैं कि जो ये जापानी आप लोग यहाँ कर रहे हैं उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है और सीखने में आपको सुविधा आ रही है उच्चारण आपका सही हो रहा है और आपकी जो रुचि है वो जापानी में बनी हुई है तो अभी तक हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कोरेसोरे अरे किया है वहाँ पर कोरेसोरे अरे का कैसे प्रयोग किया जाता है कैसे वाक्य बनाए जाते हैं ये हम लोगों ने सीखा है तो उसी सीरीज़ का हम लोग आज एक और सेट करेंगे यानी कि कोनो सोनो अनो अब ये शब्द क्या हैं इनका भाषा में कैसे प्रयोग किया जाता है क्या इसके पीछे ग्रामर है जो भी थोड़ी बहुत हम लोग ग्रामर करेंगे क्या है इसके पीछे वो आज हम लोग देखेंगे तो जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं देखते हैं कि काइवा में हमारे पास क्या है या काइवा से पहले अगर हम लोग को कुछ करना है अपने लेक्चर के लिए तो वो क्या है तो आइए देखते हैं तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग के पास गिनती है और गिनती जो है वो सौ से हजार तक है अब क्यों ये गिनती आज हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे किसी भी वस्तु का मूल्य कैसे पूछा जाता है तो उसके लिए आपको सौ से हजार तक गिनती की आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे पहले आइए हम लोग यही कर लेते हैं तो देखिए याकू। आप हमारे बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी याकू आधा ह है और या मिलाकर के ह्याकू बनाया गया है नीहकू सांब्याकु यो ह्याकू गो ह्याकू रोप्याकू नाना ह्याकू क्यूँ और उसके बाद क्या आता है ज्यू ह्याकू नहीं आता है उसके बाद हजार के लिए जो शब्द है वो है सेन अब देखिए जो ये गिनती है हंड्रेड या सौ हिंदी में उसके लिए उच्चारण क्या है काउंटर जो है या शब्द जो है वो है अब आप देखेंगे कि साब्याकू इसमें उसकी रीडिंग जो है वो बदल जाती है रोप्याकु गिनती के बाद न होकर के रोकू और ह्याकू को मिला करके रोप्याकु बना दिया जाता है और इसी प्रकार से हाची जो है वो भी एक एक्सेप्शन है उसमें भी हाची और प्याकू मिला करके हाप्याकू बना दिया जाता है तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है एक ब्याकू एक रोप्याकु और एक हाप्याकू और जो नया शब्द है हज़ार के लिए वो है सेन ये याद रखिएगा अभी हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इसका खूब आप रेंश्यू कर लीजिए जो कांजी है उसकी ह्याकू की वो इस प्रकार से लिखी जाती है कांजी आपको बाद में भी कराएंगे हम अभी और बताएंगे कि ये कहाँ से इसका जो कॉन्सेप्ट है जो आइडिया है वो आया है हीरा गाना में ये यहाँ लिखा है और अगर आपको याद होगा तो आपके फर्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने आपको हीरा गाना इंट्रोड्यूस कराई है वहाँ पर ये इस प्रकार से जो साउंड्स हैं उनके बारे में भी मेंशन किया गया है तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको वो जो शॉर्ट साउंड्स हैं या जो डबल साउंड्स हैं वो आपको देखने में मिलेंगी तो आज हमारा जो लेसन है जो हम लोग को आज पढ़ना है वो है इकूरा का अब ये इकुरा क्या है और कैसे प्रयोग किया जाता है आइए देखते हैं आपको तस्वीर से कुछ तो समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पर पॉइंट करके इशारा करके मारिकोसान जो है कुछ पूछ रही हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये इकुरा शब्द है ये एक प्रश्नवाचक शब्द है अब देखिए जो हमारा काइवा है वो मीरासान और एक जगह जो है वो रिसेप्शनिस्ट के बीच में है और यहाँ पर जो है वो दुकानदार और मीरासान के बीच में है तो आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं あ、ペックバリーカイバスに。すみません。電気製品は何回ですか。電気製品は二回です。ありがとう。すみません。洗濯機はいくらですか。二万五千円です。冷蔵庫も二万五千円ですか。いいえ。三万円です。すみません。 का ये था ये उल्टा स्वास्तिक बना है एंडेस तो।, तो ये एक बहुत सिंपल है मीरा सान जो है कुछ खरीदने गई हैं तो जब वो मॉल पहुंचती हैं यानी कि डिपार्टमेंट स्टोर पहुंचती हैं तो वहां पे रिसेप्शन पर जो लड़की है उसके बीच में और मीरासान के बीच में कायवा है तो क्योंकि वो उसका अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाह रही हैं, उससे कुछ पूछना चाह रही हैं, तो जैसा कि आपको बताया है उस समय क्या प्रयोग करते हैं मी तो एक्सक्यूज मी का शब्द जो है वह है सुमीमा सेन सुमीमा सेन वांग कायद का देंकी, से हिन, देंकी से हिन हुआ बिजली के उपकरण या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो वा नान नान आपको पता है ये एक प्रश्नवाचक शब्द है और काई का अर्थ है फ्लोर यानी कि किस माले पर है किस तले पर है तो रिसेप्शनिस्ट बताती है दें की सेहनवा निकाई देस यानी कि सेकंड फ्लोर पर है तो मीरा जी अरिगा तो कहती हैं ये खाली दो मो भी कह सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं फिर ये निकाई जाती हैं वहां पे मीरा सान और दुकानदार का ये कायवा है फिर से सुमीमा सेन है देखिए एक्सक्यूज मी सॉरी के लिए नहीं प्रयोग किया जा रहा है सुमीमा सेन यानी कि एक्सक्यूज मी तो सेंता की वा इकुरा इकुरादेस का सेंता की यानी कि वॉशिंग मशीन इकुरा इकूराद का हाउ मच या कितने का है या क्या इसका मूल्य है तो दुकानदार कहता है निमान गोसेन एंडेस रेजो को मो मांस का रेजो को भी आपने किया है भी ऑल्सो अंग्रेजी में या टू नीमान गोसेन एन का है तो बोलती है नहीं साम मान एन का है अब ये मान भी नया शब्द है आपके लिए आगे इसके बारे में भी बताएंगे सुमीमा सेन रेजो को व इकुरा का वो पूछती हैं कितने का है निमान सानसेन एन स दोमो अरिगा तो ये एक बहुत सिंपल कायवा है इसमें काई नया है इकुरा हम लोग को आज करना ही है नया क्वेश्चन वर्ड है और मान है हमारे पास यहाँ पर है स्क्रिप्ट में देकी से हीन लिखा है यहाँ पे नीमान गोसेन एन है तो गो यहाँ पे मिसिंग है इसको हम लिखे देते हैं गो आपको पता है कैसे लिखा जाता है फिर यहाँ पे साममान एन है वो भी कांजी में है निमान सानजेन एन दस तो ये सब कांजी में है ये कांजी का भी आप अभ्यास करिए अब देखिए हम लोग करेंगे काउंटर काई जो कि फ्लोर्स के लिए प्रयोग में आता है तो सुमीमा सेन रेस्टोरेंट व नांग कायदेस का नाना कायदेस अब इसका हम लोग अभ्यास कर लेते हैं देखिए यहाँ पर हमने रेस्टोरेंट लिखा है तो रेस्टोरेंट की जगह हम और भी कुछ लगा सकते हैं फूड कोर्ट व नांग कायदेस का तो जापानी में फूदो को तो वांगस का पैटर्न देखिए वही चल रहा है केवल रेस्तोरान की जगह आप फूड कोर्ट लगा सकते हैं और यहाँ पे जो नाना काई है उसकी जगह आप कोई भी नंबर लगा करके काई लिख सकते हैं और वो उस फ्लोर पर माना जाएगा जैसे देखिए कोदोमोनो फकुवा नांगस का सांगस कुत्सुआ नांग कायदिस का या कुसु उरीबावा नांगयदस का तो इक्का डेस्क। यानी कि ये इस फ्लोर पर है तो इस प्रकार से आप पैटर्न यही रख सकते हैं और अपने मित्र से पूछ सकते हैं कोई भी नाउन लगा करके जो भी आपको याद हो और काई नंबर दे करके और काई लगा करके छोटा सा एक काइवा कर सकते हैं अब जैसा कि हमने आपको बताया मंजिल की गिनती के लिए काई का प्रयोग किया जाता है तो आइए एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग आप हमारे बाद बोल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं इक्काई, निकाय सांकाय यौंगय गोकाय रोककाय नानाकाई चकाय क्यू काय जुक्काय हक काय और प्रश्नवाचक जो इसका शब्द है वो है नांगकाय यानी कि कौन सी मंजिल तो इसमें भी आप देखेंगे कि रोककाय और हचकाय या हक्काय भी कहा जाता है और सांग गये। सांग गये। तो ये तीन जो हैं ये एक्सेप्शन हैं इनको याद रखना जरूरी है ये ध्यान रखिएगा इसका जोर जोर से उच्चारण करिए तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा अब देखिए हमारे लेसन में कोनो शब्द था कोनो और सोनो तो अगर आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेसन में लेसन सिक्स में कोरे सोरे सीरीज करिए कोरे सोरे अरे और दोरे। अब जो आज हम लोग करने जा रहे हैं कोनो सोनो आनो दोनों ये उसी सीरीज का कोसो आदो सीरीज का दूसरा सेट है और आज हम लोग ये देखेंगे कि इसका प्रयोग करके हम कैसे कायवा करते हैं एक और चीज़ हम लोग को बहुत ज़रूरी देखनी है और वो ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है अगर ये एक ही सीरीज के हैं तो इनमें फर्क क्या है तो आइए देखते हैं एक छोटा सा कायवा है इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कोनो सोनो क्या है दोबारा से मीरा और दुकानदार के बीच में कायवा है तो बुदोवा इकुरादेस का रोप्याकू एस मेरोन वो रोप्याकु एंडस का तो कोनो रिंग तो 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 वो यहां पे एक फल की दुकान पर है और फल वाले को हम लोग कहते हैं जापानी में याओ यासान या सब्जी वाले को कहते हैं याओ यासान तो ये सिंपल सा एक कायवा है इसमें बहुत सारी चीजें हैं आइए उसको हम लोग देखते हैं तो इकुरा तो आपको पता है यहां पे ये देखिए इकुरा है इसका अर्थ आपको मालूम ही है कि कितने का है मो आप कर चुके हैं ऑल्सो भी अभी आपको बताया हमने यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है देस का अच्छा ऐसा है क्या हिंदी में जब आप थोड़ा सा सरप्राइज दिखाते हैं या आप आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो आ सो देश का अच्छा ऐसा है क्या तो ये एक्सप्रेशन तब प्रयोग में आता है अब यहाँ पे देखिए कोनो रिंगो ये सेब रिंगो आपको पता है सेब है नो बास्केट तो वा इकोरादेस का बास्केट तो ये है बास्केट टोकरी बास्केट वा इकोरादेस का तो दुकानदार ने बताया नाना याकू गोजू एन दिस अब यहाँ पे एक चीज नई है ओ कुदा। साई तो अब आइए देखते हैं ये क्या है जैसा आपको बताया है पहले भी एक प्रश्नवाचक शब्द है इकुरा और वस्तु का मूल्य जानने के लिए प्रयोग में आता है जैसे कि यहां कोरेवा कुरेवा इकुरादेस का ये कितने का है कुरेवादस इसका जवाब हो सकता है और इकुरा इकुरादेस का अखबार कितने का है जो भी पैसे हों अखबार के वो आप बता सकते हैं अब यहां पे देखिए इकुरा है और कोरे है तो आपने किसी चीज़ की ओर पॉइंट किया इशारा किया उंगली से बताया और पूछा कि ये कितने का है आपने वस्तु का नाम नहीं लिया ये आपने किया है ये शिमबुन भी हो सकता है ये कोई भी वस्तु हो सकती है जिसकी तरफ आप इशारा करके पूछ रहे हैं अब यहाँ पे हमने उस वस्तु का नाम ले लिया शिम्बुन व इकोरादेस का उसी की तरफ इशारा किया और नाम ले लिया या पेन वा इकोरादेश का या कबान वा इकोरादेस का यह आपने पिछली बार प्रैक्टिस किया है कोरे सोरे आरे और दोरे ये एक तरीके से आपका रिवीजन भी है और इसके बाद क्या पार्टिकल आता है पार्टिकल आता है वा क्योंकि ये आपका टॉपिक है इसी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो इसमें आप हमेशा पॉइंट करेंगे कोरे ये है सोरे जो वक्ता है उससे दूर है इनसे दूर है तो सोरे हो गया अब ये सज्जन बी हैं ये ए हैं इन दोनों से कोई चीज दूर है वो आरे हो गया और दोरे क्या होता है जो दूर है वो इसका इस सीरीज का प्रश्नवाचक शब्द है इसका अर्थ है कि ये चीज़ और ये चीज़ या ज्यादा से ज़्यादा ये चीज़ इन तीन चीज़ों में से कौन सी तो चॉइस के लिए पूछा जाता है देखिए यही चीज़ आपको बता भी रहे हैं तस्वीर से ये हाथ जो है इसको जरा अभी आप भूल जाइएगा इन्होंने इशारा करके पूछा थाना का सान आनोबीर हुआ नानोबीर उद का तो अब ये आनो क्या है देखिए अभी आपको हमने पिछली स्लाइड में बताया कोरे सोरे अरे अब कोनो सोनो और आनो बड़ा क्लियर डिफरेंस है इन्होंने पॉइंट करके जिस चीज की ओर पॉइंट कर रहे हैं उसका नाम भी लिया कोनो जो भी नाउन होगा यहां पे उसका लिया और उसके बाद पार्टिकल वा का प्रयोग किया है देखिए आनो बीर वा नानो बीर दस का किस चीज की बिल्डिंग है बीर माने बिल्डिंग इनको दूर से नहीं दिख रहा है कि वो बैंक है तो आनो बीर वा नानो बीर वानोबीरुदेस का या ये भी कह सकते थे अरे वा नान दिस का तो आप देखेंगे अरे के साथ सीधे वा लगाया गया है और आनों के साथ नाउन का नाम लेकर के फिर वा का प्रयोग किया गया है तो ये बेसिक डिफरेंस है कोरे और कोनो में कोरे जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कोनो जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ग्रामेटिकली जो है उसका ये डिफरेंस है तो इसको आप इसी तरीके से प्रयोग करिए कि कोनो के बाद हमेशा नाउन लगा करके तब लगाइए और कोरे के साथ क्योंकि आप पॉइंट कर रहे हैं तो श्रोता और वक्ता दोनों को पता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है इसलिए नाउन का संज्ञा का नाम लेना या बताना आवश्यक नहीं है तो यहाँ देखिए तना अनोबीर वानोबीर उदस का अनुबीर विंको दस इनका हाथ असल में यहां होना चाहिए तो अनुबीर विंकोद दोनों जने इस ऑब्जेक्ट से दूर है इसलिए आनो का प्रयोग किया गया है ये अरे भी कह सकते थे अरे विंको दस अब देखिए दोबारा से वही पिक्चर है और अभी इन्होंने अपनी पिछली स्लाइड में कहा आनो बीर बीर ठीक है अब यहां पे क्या कर रहे हैं इधर पॉइंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कोरेवा नांदेस का इन्होंने इसका नाम नहीं लिया पूछा कोरेवा नांदेस का इनको समझ में नहीं आया कि बोशी है या कुछ और है इनके लिए क्योंकि ये चीज दूर है यहां से इनके लिए में है इसलिए सोरे का प्रयोग करेंगे सोरेवा जो भी चीज है यह बता सकते हैं या ये, ये भी कह सकते हैं सोनो मोनोवा यह वस्तु जो है वो जो भी चीज हो सकती है यहां पर बोशी है टोपी है इसलिए सोनो मोनोवा बोशी इस बात का ध्यान रखिएगा दोनों का प्रयोग हो सकता है लेकिन सूर्य के साथ वा है और इसके साथ नाउन के बाद वा का प्रयोग किया जाता है अब देखिए ये संकेतवाचक विशेषण है जैसा कि यहां लिखा है संकेतवाचक विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा से पूर्व प्रयोग में आते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करते हुए विशेषण का कार्य करते हैं जैसे अभी हमने आपको बताया कोनो सोनो आनो तो कोनो वह व्यक्ति या वस्तु जो वक्ता के पास है और श्रोता से दूर है यानी कि बोलने वाले के पास है और सुनने वाले से दूर है सोनो वो व्यक्ति या वस्तु जो श्रोता के पास है और वक्ता से दूर है आनो वो व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो श्रोता और वक्ता दोनों से दूर है और अंत में दोनों जो कि प्रश्नवाचक है और इसका अर्थ है इन दो या तीन वस्तुओं या व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति या वस्तु तो ये ध्यान रखिएगा इसका प्रयोग करने से पहले कि आपको संज्ञा जरूर लगानी है आपको लिख करके एक बार दिखा देते हैं कोरे सोरे आरे प्लस वा और को कोनो सोनो आनो प्लस संज्ञा नाउन प्लस वा ये आपका टॉपिक है दोनों बार यहाँ पे आप पॉइंट करते हैं इशारा करते हैं यहाँ पे भी आप पॉइंट करते हैं इशारा करते हैं लेकिन संज्ञा का नाम बोलते हैं जिस भी चीज़ की तरफ आप पॉइंट कर रहे हैं उसको नाम लेकर के पूछते हैं कि ये क्या है या ये किसका है या ये कितने का है या और भी बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं और दोनों में प्रश्नवाचक शब्द है दोरे और दोनों दो या दो या तीन वस्तुओं में से कौन सा आपकी चॉइस या प्रेफरेंस पूछी जा रही है अब हमारे काइवा में ये जो शब्द था इकुरा प्रश्नवाचक शब्द आइए देखते हैं कि ये क्या है तो ये छोटा सा काइवा है तनाका और मीरा के बीच में कोनो कोनोहोन इकुरा इकुरादेस का सोनोहोन व्यान तो उन्होंने बता दिया कि यह ये तीन येन की किताब है कोनो होन यानी कि ये किताब आप फिर से इकुरा इकोरादेस का कर सकते हैं ये कितने का देखिए यहां पर तो होन है तो आप होन की जगह जो भी आप ने वोकेबलरी करी है वो यहां डाल करके पूछ सकते हैं कि कोनो वा और कोनो किताब वा कोनो पेन वा कोनो खबान वा कोनो कुनो कोनो सुछता वा, वा इकुरा दस का अब यहाँ पर तस्वीर है अब आप बताइए ये कितने का है कोनो पेन वा हाची ज्यू इसको 480 मत पढ़िएगा या 480 मत पढ़िएगा यो याकू हाची ज्यू एन पढ़िएगा ये कासा है इसके नीचे भी लिखा है कोनो कासावा रोप्याकु नाना ज्यू एंडस आप हमारे बाद भी बोल सकते हैं ये नाबे है यानी कि भगोना तो अब आप बताइए ये कितने का है गो हाकू हाची गो एंड अब देखिए ये कुत्सूचता है तो कोनो कुत्सूचता व इकुरा दस का आपने शिटमौन किया आपने प्रश्न किया तो जो भी आपको प्राइस बतानी है उसकी आप बता सकते हैं और यहां पर लिखा भी हुआ है इसको अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए अब देखिए आपके लिए और भी अभ्यास है और ये कुछ जापानी खाना रखा हुआ है यहाँ पे और सान खड़े हैं तो देखिए ये तो आप बता सकते हैं सांदो इच्ची है सांदोच्ची फिर ये कोचा है ये तीनों चीज़ें जो हैं ये जापानी खाना है ये दो सोबा हैं अलग अलग तरीके के सोबा हैं बहुत सारे तरीके के सोबा होते हैं तो ये कुछ मोटा सोबा है यानी कि मोटे नूडल्स हैं सूप में हैं और ये पतले नूडल्स हैं ये ड्राई हैं इनको इस सॉस में डाल करके और तब खाया जाता है ये जो सॉस है इसमें डालते हैं और नूडल्स को और फिर इसको खाया जाता है ये सोबा है सोबा या उदौन उदौन मोटे होते हैं और ये तेम्पूरा है तेम्पूरा एक प्रकार की पकौड़ी है जो कि प्रॉन्स से बनाई जाती है या फिश से बनाई जाती है और इसको इस पकौड़ी को इस सॉस में डाल करके खाया जाता है तो यहाँ पर ये जो स्पेस है इसमें आप कोई भी जो ये खाने की चीज़ें हैं इनके बारे में आप पूछ सकते हैं कि तेम्पुरा वा इकुरा दस का अब आप अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए और देखिए कि आप उच्चारण सही कर पाते हैं या नहीं अभी आपने इकुरा किया अब देखिए यहां पर है कोनो होनवा इन्होंने प्राइस पूछी कि ये इतने की है क्या क्या ये किताब इतने की है तो इकुरा की जगह आप पैसे डाल करके सवाल पूछ सकते हैं कि ये इतने की है क्या तो दुकानदार या मीरा जो भी हैं यहां पे तनाका और मीरा हैं तो ई ये सोनोहोनवाकू एन देस इस प्रकार से भी आप कायवा कर सकते हैं देखिए होन की जगह आपने पहले भी बहुत सारी वोकेबलरी करी है तो वो शब्द जो हैं आप डाल करके उनकी प्राइस पूछ सकते हैं उनके दाम पूछ सकते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है केक हो सकता है तो के हो सकता है कोट हो सकता है कुछ भी हो सकता है जिशो हो सकता है तो देखिए जिशो वा इकुरादेस का तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ यहाँ पर लिखा है तो आप अपने मित्र के साथ इसका अभ्यास करिए तो केवा वा इकुरा देश तो केवा वा सेन इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं और भी आपके लिए बहुत है काबान व इकुरा देश या कुत्सु व इकुरा देश तो सेन साम्बिया को एंडेस। सेन साम्बिया को गोजू एन देस काबान व इकुरा देश का नी अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा होनवा होन एंडेस तनाका सान जो है यहां पर इनके पास किताब है मीरा सान के पास किताब नहीं है उनसे दूर है तो उन्होंने कोनो सोनो लगाया एक और चीज यहां पर है उन्होंने पूछा 400 येन की है यो याकूनो होन दिस का तो इन्होंने कहा नहीं 300 येन की है अब अगर इसको आपको कहना है नहीं यो याकुन की नहीं है तो आप कैसे कहेंगे आपने देवारी अरिमा सेन किया है तो कोनो कोस का इकुन देवा अरी मासन या ये कह सकती है यो याकुन जा अरिमान दोनों एक ही चीजें हैं बिल्कुल बराबर है चाहे आप देवा कहिए चाहे आप जा कहिए इो या कुएन जा अरिमासन सांभियाकुएंदेस आप इस तरीके से भी पूरा जवाब दे सकते हैं। तो केवा निहाकुएंदेस का ये तो केवा निहाकुएंदेवा अरिमासेन तो केवा सेंयेन देस इस प्रकार से भी आप काइवा कर सकते हैं। अब देखिए आपने अपने प्रीवियस लेसन्स में ए देस का बी दस का किया है ए है क्या या बी है क्या तो ये वाला जो का है वो या के रूप में प्रयोग किया गया है हम लोग आज इसको इसी पैटर्न को यहाँ पर भी प्रयोग करके देख सकते हैं बुधो व हा कुछ का साम्बिया कुएंस बुदो ओ कुदा सा अरेगा तो गुजा बुदो व इतना देश का इतना देश का चॉइस पूछ रहे हैं जानना चाह रहे हैं कि इतने का है या इतने का है तो उन्होंने कहा सांब्या कुएस अब इनको लगा कि दाम ठीक है तो इन्होंने कहा बुदो ओ कुदास बुदो मुझे दे दीजिए कुदासाई का अर्थ है कुदासाई का अर्थ है प्लीज़ कृपया मुझे दे दीजिए तो नाउन ओ कुदासाई। जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं या जो भी चीज़ आप किसी से मांग रहे हैं देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद उस चीज़ का नाम लेकर के ओ कुदासाई कहिए और वो चीज़ आप खरीदने वाले हैं या आप मांग रहे हैं इस प्रकार से ओ कुदासाई का प्रयोग होता है यहाँ पर ख़रीदने के लिए प्रयोग कर रहे हैं और भी तरीके से इसका प्रयोग होता है वो हम लोग बाद में करेंगे तो यहाँ पर ये एन की कांजी भी लिखी है और हीरा गाना में लिखा है इसको भी आप प्रैक्टिस करिए देखिए कुछ तस्वीरें हैं नीचे प्राइस लिखी है अपने मित्र से पूछिए और प्राइस बताइए तो यहाँ पर बुदो है बुदो वा इकुरा इकुरादेस का या बुदोवा हाकू एंडस का नीहैकू एंडस का तो जो भी प्राइस हो वो आप बताइए और कायवा करिए मिकान है ये तो ऑरेंज ऑरेंज मिकान व्याकु गोजू एंडस का नीहैकू जू एंडस का इसका भी अभ्यास करिए फिर बताइए ये क्या है ये मोमो है आप सब्जी की दुकान पर हैं तो मोमोवा को गोजू एंडेस तो, का साम्बाकू एंडेस का तो मोमोवा नीहा कु गोजू एंडस ये सुईका है सुई का व येन से एंडेस का येन हाकू का तो इन चारों चीजों का अपने मित्र के साथ जोर जोर से अभ्यास करिए तो ए एस का बी दस का जो पैटर्न है वो आपको समझ में आने लगेगा और आप आसानी से प्रयोग कर पाएंगे अब देखिए अभी हम लोग ने ओ कुदास किया था तो ओ कुदा है क्या जापानी भाषा में किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए ओ कुदा का प्रयोग किया जाता है जैसा आपको बताया इसका अर्थ है मुझे ये सामान दे दीजिए या मैं ये खरीद रहा हूं और किसी से विनम्रता से कोई वस्तु मांगने के लिए या आग्रह करते समय भी कुदासाई का प्रयोग किया जाता है ये हम लोग बाद में करेंगे आज हम लोग केवल सामान खरीदने के लिए कुदासाई का प्रयोग देख रहे हैं और यह भी बहुत जरूरी है कि ओ कुदासाई से पहले संज्ञा लगाना अनिवार्य है क्योंकि आप कुछ खरीद रहे हैं तो जो भी कुछ है वो नाउन है इसलिए संज्ञा लगाना अनिवार्य है तब तो पता चलेगा कि आपको क्या चीज चाहिए अब देखिए रिंगो ओ कुदा साई, शियो ओ कुदा साई, सोनोहोन ओ कुदा साई तो ये सामान मैं खरीद रहा हूं इसका अन्य तरीके से भी प्रयोग होता है जो कि आज यहाँ नहीं हम लोग करेंगे उसको बाद में बताएंगे आपको अब देखिए जापान की जो करेंसी है वो एन है और अंग्रेजी में येन लिखते हैं लेकिन क्योंकि ये साउंड ही नहीं है जापानी में इसलिए एन प्रोनाउंस किया जाता है तो एन जापानी मुद्रा को कहते हैं और इसका अंग्रेज़ी में चिन्ह है ये जैसा कि आपको पता है जापानी भाषा में इसका एक और भी अर्थ है इस कैरेक्टर का और अर्थ है ये है मारू यानी कि सर्कल यानी कि राउंड इसका चिन्ह देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है हमने अभी बनाया भी आपके लिए とゴヤ円、エン、ゴ、ゴヤク、or、N、ナナジュ、N、ナナジュ N、リンゴはヤクエンです。とヤク、or इस प्रकार से एन बनता है अभी आगे भी आपको एन बताएंगे इसका एक जो आ, रीडिंग है एक जो रीडिंग है वो मारू भी है, मारु अब कांजी है हम लोग कांजी करते हैं थोड़ी बहुत कांजी आपने करी है आज जो कांजी करने जा रहे हैं वो आपके लेसन में आई है तो वो कांजी हम लोग कर रहे हैं देखिए एन की कांजी है और एन आता कैसे है ये राउंड है इससे आता है इसलिए इसका अर्थ राउंड भी है मारुई भी है अब एन पैसे के लिए क्यों आया है क्योंकि सिक्का जो है वो गोल है या ओवल हुआ करता था अंडाकार हुआ करता था पहले धीरे धीरे वो राउंड हो गया इसलिए एन के रूप में मनी के लिए उसको प्रयोग में लाया जाने लगा दूसरी कांजी है आपकी याकू की और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि कू जो है वो आया कैसे अब देखिए जापान जो है वो कृषि प्रधान देश है और वहाँ पे राइस की पैदावार जो है ज़्यादा होती है तो ये जो कैरेक्टर है ये एक्चुअली राइस की बोरी से आया है अब आया कैसे है आइए हम लोग देखते हैं राइस की बोरी को भर करके आप रख दीजिए जिसमें राइस है इस प्रकार से आप बोरी बांध करके जब आपका फसल कटती है तो आप ये रख दीजिए अब राइस जो है चावल जो है वो सफ़ेद है तो सफ़ेद तो ऐसे बन गया और क्योंकि ये बोरी है गाँठ लगी है तो इसको ऊपर से बांध दिया गया और याकू के लिए क्यों आया क्योंकि चावल भरा हुआ है और बहुत सारा चावल है चावल गिनना संभव नहीं है तो याकू बड़ा नंबर है इसलिए याकू की कांजी ऐसे बनी है शिरोई और ऊपर ये लगा करके याकू बना दिया गया बड़ा है। बड़ा नंबर है गिनती के लिए अब एक और कांजी हम लोगों ने पढ़ी थी और देखी थी अपने काइवा में वो थी सेन की कांजी बहुत सिंपल है जीव आपने किया है और इसके ऊपर है अब प्लीज़ आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दें ये तरीका नहीं है सेन की कांजी याद करने का ये आपको आसान बनाने के लिए बता रहे हैं असल में कांजी बनती है एक दो और तीन से तो तीन स्ट्रोक का ये कैरेक्टर है सेन के लिए प्रयोग में आता है और इसका जो आइडिया है वो कहाँ से आया है देखिए इस प्रकार से बनाया गया है कि बहुत सारी गांठ बांध करके लकड़ी को बांध करके और रख दिया गया है एक और कैरेक्टर है देखिए मान का था तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मान का कैरेक्टर ही हमारे स्वास्तिक से एक प्रकार से संबंध रखता है थॉट इसका ये था ये उल्टा स्वास्तिक बना है लेकिन फिलहाल थॉट इसका वहीं से आता है या आप समझ लीजिए ये फाइव जो पाँच है गो का जो नंबर है उससे भी बहुत लोग मानते हैं कि ये कांजी बनी है यदि कोई जना हाथ और पैर पर इस तरीके से बैठा है तब भी मान की कांजी का कॉन्सेप्ट आता है तो इस प्रकार से मान बनाया जाता है अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग कांजी है जो कि आई थी वो है ओकाने अब ओकाने कैसे आता है पुराने ज़माने में बैंक तो हुआ नहीं करते थे तो घर में सब लोग अपने या तो दीवारों के अंदर या मट्टी के अंदर अपना पैसा रख देते थे, थे और कोई जना जान ना पाए तो वहाँ पे कोई गमला या कोई पौधा लगा दिया जाता था और उससे आपका पैसा बचा रहता था ये घर का रेडिकल है तो उसमें आप लगा दीजिए इस तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट और ये कांजी बन गई इस प्रकार से ओकाने की कांजी आई है आपको यहां दिख भी रहा है देखिए तो कोरेवा निहोन नो ओकाने देस अब देखिए आपने कोरे किया है पहले तो कोरेवा ये कोरेवा निहोनो ओकाने देस या कोनो वा निहोन वा? वा निहोनो ओकाने इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं अब ये मातों में है इसका सब कांजी यहाँ पे एक साथ लिखी हुई हैं आपको जल्दी से लिख करके के भी दिखा दें हम दोबारा से याकू है सेन है मान है और एन है तो ये चारों कांजी हैं यहाँ पे इनकी रीडिंग भी लिखी है सबकी एक साथ आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा और अब जो कांजी हम लोगों ने करी है उसको एक बार आप देखिए जू एन जू भी आपने किया है और एन और एन अभी आपने किया है जू एन फिर हू एन हो गया बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा मान एन याकु फिर से देखिए याकु मान मान और एन कुमान एन फिर देखिए क्यू कु क्यू और हू इस प्रकार से आपने क्यू किया है हाकू निन निन देखिए ह्याकू है यहाँ पे ह्याकू और निन आपको इसके बारे में बता चुके हैं ये हितो की कांजी है हितो यानी व्यक्ति इससे आप निहोन जिन भी लिख सकते हैं नि होन और जिन हो जाएगा या इंदो जिन लिख सकते हैं फिर ह्याुमान निन हो जाएगा याकु आपने कांजी करी है याकु मान और निन हो जाएगा मतलब कि कितने हज़ार लोग या को सौ मान मान दस हज़ार को कहते हैं तो उतने सारे लोग फिर ओतोना की कांजी है ये ओकी की कांजी है आपने दाएगाकू में करी है दाएगाकू से में करी है दाएगा से में तो दाई और ओकी बड़ा व्यक्ति ओतोना ये एक स्पेशल रीडिंग है ओतोना इसको याद कर लीजिएगा ये ओकी की कांजी के साथ है फिर ये ओ की कांजी है दाई की कांजी है उसकी दूसरी रीडिंग दाई है तो ओ की है यानी कि बहुत बड़ा विशाल फिर ओकाने है ओकाने की कांजी आपने अभी करी है देखिए ओ ऑनरिफिक है जैसे ओ नामाए लिखते हैं इस प्रकार से ओकाने के लिए भी ओ का प्रयोग करते हैं हिरागाना में और काने ऐसे बना देते हैं ओ यानी कि पैसे और देखिए ये ही की कांजी है आपने करी है ये ही की कांजी ही की कांजी इसका स्ट्रोक ऑर्डर ये है ही माने आग और आज देखिए इसके साथ कौन सी कांजी है इसके साथ है यामा तो ही और यामा तो आग वाला पहाड़ यानी कि ज्वालामुखी यानी कि काजान या अब ये आप देखिए जा कर के कि ये क्या शब्द है ये यामा की कांजी है आपको पता है ये ही की कांजी है और ये जी है इसकी रीडिंग जी है तो अब आप इसको जा कर के देखिए कि ये कांजी क्या है और ये शब्द क्या है ये आपका शुकुदाय है अब यहाँ पर कुछ कांजी के जो शब्द आए हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं कांजी और हिरागाना और हिंदी के साथ तो आप उसका उच्चारण एक बार कर लीजिए ज्यू एन ह्याकुमान इची निची 900 कोबितो, कोयामा, कोगाने, गाने और खजान ये भी आपने किए भी हैं यहां पे भी आपके लिए मातो में है कुछ नए शब्द भी हैं देंकी से रेजो रेजोको एयाकोन पासोकोन सोजिकी पॉट, कॉपीकी, की, की आयरोन कमेरा हे अदोरा रेंजी खोतत्स तो आप इन सब शब्दों का हमारे बाद उच्चारण करके अभ्यास कर सकते हैं कुछ और शब्द हैं फूदोको तो फुक रेजोको तोरिनिक भूतानिक ग्यूनिक सरादा तेम्पूरा सुशी और ये कुछ सब्जियां हैं यहाँ पे इनके नाम हिरागाना में लिखे हैं पढ़ने की भी प्रैक्टिस करिए लिखने की भी प्रैक्टिस करिए और अपने आप अपने मित्र के साथ प्राइस पूछिए प्राइस बताइए और इसका अभ्यास करिए और इसी के साथ आज का जो ये क्लास है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं आपके लिए काफ़ी काम है शुकुदाई भी है थोड़ा सा वो करिए प्रैक्टिस करिए बहुत इकुरा है ये बहुत ज़रूरी है आप जापान जाइए तो सबसे पहले सामान खरीदना पड़ता है तो ज़रूर आवश्यकता पड़ती है कि आप पूछना आपको आना चाहिए आप जाने कि किस प्रकार से जापानी भाषा में पूछा जाता है कि ये सामान कितने का है और हमें कितना देना है कितना पैसा है किस प्रकार से उसको कहा जाता है उसके शब्द क्या हैं ये सब का जानना बहुत आवश्यक है तो इसलिए ये ज़रूर अच्छे से करिए खूब प्रैक्टिस करिए और जल्दी ही हम लोग फिर मिलेंगे नमस्कार धन्यवाद